आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एएमयू के 11th का जो टेस्ट होता है उसमें आप कितना मार्क्स लाएंगे साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में। यानी इस वीडियो में सिर्फ मैं कट ऑफ बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो होगी और इसमें आपको पता चल जाएगा कि साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, अगर 11th आर्ट्स में आपको एडमिशन लेना है तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, और कॉमर्स 11th में एडमिशन लेना है तो आपको कितना लाना पड़ेगा। दोस्तों 11th का नाम 10+2 भी है या 11th का नाम इंटरमीडिएट भी है, और 11th को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी SSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और 10+2 साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स में ये सारे 11th के होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो फटाफट मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में कट ऑफ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, आपका मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, आपको कंफर्म हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और भी यूनिवर्सिटी का मैं वीडियोज बनाता हूं आपके लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके साथ लाइक आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं साइंस का कट ऑफ, साइंस में आप कितना मार्क्स लाएंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों साइंस का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर के एग्जाम में आपका साइंस का 50 मार्क्स होता है, मैथ का होता है 30 मार्क्स, और जनरल नॉलेज का जो मार्क्स होता है वो 10 मार्क्स होता है। इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके का 10 नंबर होता है, यानी इंडो इस्लामिक कल्चर 10 नंबर का, जनरल नॉलेज 10 का, और मैथमेटिक्स 10 का, और साइंस 50 का। तो दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं और आप बॉयज हैं, और अगर एक्सटर्नल है गर्ल्स है, तो आपको कितना नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा साइंस में। बॉयज के लिए 60+ है और गर्ल्स के लिए 55+, तब आपका एडमिशन हो जाएगा साइंस में एक्सटर्नल का। और इंटरनल का देख लीजिए, इंटरनल का जो कट ऑफ जाता है हर साल आसपास इतना ही रहता है, इंटरनल का जो कट ऑफ जाता है बॉयज लड़कों का जो कट ऑफ जाता है वो 50+ जाता है, और गर्ल्स का जो कट ऑफ जाता है वो 40+ जाता है, 40+ जाता है। तो दोस्तों इंटरनल अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50 से ज्यादा लाएंगे तो 11th में एडमिशन हो जाएगा साइंस में, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका 40 नंबर लाने से ही काम चल जाएगा। और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के, जो कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं एक्सटर्नल में, तो जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी के कैंडिडेट्स आएंगे एएमयू में, उनके लिए बॉयज के लिए 60+ नंबर लाने होंगे और गर्ल्स के लिए 55+ नंबर लाने होंगे। दोस्तों तो दोस्तों ये था साइंस का कट ऑफ, और सीटें आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको आर्ट्स और कॉमर्स का भी कट ऑफ बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, कॉमर्स का। दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम का भी जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको सोशल साइंस यानी सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और मैथमेटिक्स से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल नॉलेज का 10 नंबर का क्वेश्चंस आता है, और इंडो इस्लामिक कल्चर का 10 मार्क्स होता है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर सब में कॉमन है, मैथ भी कॉमन है, सोशल साइंस इसमें ऐड हुआ है और साइंस में साइंस था। तो दोस्तों 100 में आप कितना नंबर लाएंगे तो आपका कॉमर्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको लाना होगा 45+ बॉयज या गर्ल्स के लिए, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स का कॉमर्स और आर्ट्स में लगभग सेम जाता है, साइंस में फर्क पड़ता है मैथ की वजह से। बाकी अगर आप इंटरनल हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 30+ से काम चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है और आप अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं तो 45 नंबर लाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, और आप अगर इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बराबर है, 30 नंबर आप लाएंगे तो आपका एडमिशन कॉमर्स 11th कॉमर्स में हो
हो जाएगा। 100 नंबर का मार्क्स का एग्जाम होता है। सोशल साइंस जो कि 60 मार्क्स का सबसे ज्यादा होता है, इसमें सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। बुक्स के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको बुक्स साइंस का भी मिल जाएगा, कॉमर्स का भी मिल जाएगा, इलेवेंथ का भी मिल जाएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ गाइड भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एडमिशन होने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, लेकिन मैं आपके लिए चुन चुन के लाता हूं, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े, आपका टाइम बचे। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्ट्स की तरफ। कॉमर्स के हमने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं आर्ट्स का। आर्ट्स का भी जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें आप देख सकते हैं सोशल साइंस होता है जो कि 60 नंबर का होता है, सेम होता है सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मैथ के 20 मार्क्स होते हैं, जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स होते हैं और इंडो इस्लामिक कल्चर का 10 मार्क्स होता है। तो दोस्तों इसमें आप अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आपको लानी होगी 45 मार्क्स, जस्ट लाइक आर्ट्स। और अगर आप इंटरनल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 30 प्लस मार्क्स लाने पे काम हो जाएगा। दोस्तों आपको पढ़नी होगी स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है, गलतियां बहुत कम रहता है, मतलब मिस प्रिंटिंग बहुत कम रहता है, और कंसेप्ट पूरा खुल के देकर एक कहानी की तरह दिया रहता है, और गाइड में आधा अधूरा कंसेप्ट रहता है, जिससे आपको पढ़ने में समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों बुक्स का भी मैं सजेशन आपके लिए चुन के लाया हूं, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे एक अमेजन स्टोर का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके अमेजन पे चले जाइएगा। ऑनलाइन देश के किसी भी कोने में आप रहते होंगे तो आपको बुक्स की डिलीवरी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कटऑफ है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं एक सम अप करने के लिए मैं बता देता हूं, अगर आपको आर्ट्स चाहिए तो एक्सटर्नल को 45 प्लस, इंटरनल को 30 प्लस, और आपको अगर कॉमर्स चाहिए तो 45 प्लस 30 प्लस, कॉमर्स और आर्ट्स का दोनों का सेम कट ऑफ है। और 100 मार्क्स का एग्जाम साइंस का भी होता है, आर्ट्स का भी होता है, कॉमर्स का भी होता है। अगर आप साइंस कैंडिडेट्स हैं, एक्सटर्नल हैं, और बॉयज है तो 60 प्लस, गर्ल्स है तो 55 प्लस एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए 5 मार्क्स आप माइनस कर सकते हैं, 10 मार्क्स भी माइनस कर सकते हैं। इंटरनल आप कैंडिडेट्स हैं, बॉयज है तो 50 प्लस आपको लाना पड़ेगा। अगर आप गर्ल्स हैं, एएमयू में पढ़ रही हैं, तो आपको 40 प्लस मार्क्स लाने से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जरूरतमंद इंसान जो भी हो आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके दोस्त में, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा, और साथ ही में लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप किस कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों उस कोर्स का भी मैं डिटेल वीडियो ऐसे ही बना के कट ऑफ के साथ, बुक्स के साथ और पूरा डिटेल के साथ मैं आपका वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।